अयोध्या विवाद मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी लोग सम्मान करें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सभी लोग सद्भाव और शांतिपूर्वक फैसले का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि यह किसी के जीत हार का विषय नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग एकजुटता बनाए रखें और आपसी सौहार्द का परिचय दें। अयोध्या में पुलिस एवं जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा बल लगातार रूट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग सौहार्द का परिचय दें। देखिए, ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय का हम सब सम्मान करते आए हैं और एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम सब उसका पालन करते हैं। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, वह सभी को स्वीकार करना चाहिए और हम प्रारंभ से ही कहते रहे कि ये शांतिपूर्वक सद्भाव से और समरस भाव से जो है इसको आप स्वीकार करें और साथ ही साथ अयोध्या में पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें। इसके साथ देश में भी अमन चैन और शांति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से सत्य की विजय सुनिश्चित थी और सत्य को स्वीकार किया अदालत ने तथ्यों के आधार पर, पुरातत्ववेत्ताओं के आधार पर। तो मैं समझता हूँ ये किसी की जीत और हार का विषय नहीं है, ये कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान होना चाहिए इसमें और संपूर्ण नागरिकों को एकजुट रहना चाहिए, चाहे जिस धर्म के हैं। हम सब की तरफ से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि कोई भी विघटनकारी शक्ति इसका जो है फायदा ना उठाने पाए, कोई लाभ ना उठाने पाए। विश्व हिंदू परिषद काफ़ी समय से राम मंदिर के लिए प्रयासरत था, आज उसको अपने प्रयास में सफलता मिली। देखिए, 70 वर्षों से रामलला जो है न्याय की धुरी पर चक्कर काट रहे थे और सत्य जो है सामने आया और इसको जितना भी छिपाया गया वो छिपा नहीं, लेकिन यह जो है हम समझते हैं कि विजय और पराजय का विषय नहीं है। अब तो रामलला जो है जहाँ टाट में थे, उद्दीप और भव्य मंदिर निर्माण उसमें पहुँचे हैं, ये सभी का प्रयास होना चाहिए और सभी चाहे जिस देश, इस देश के जो है सभी धर्मों के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वह इस सत्य को स्वीकार करते हुए सबको अपने गले से लगाएं और एक नई प्रक्रिया प्रारंभ करें इस देश के अंदर।